एक और अहम खबर के इंडोनेशिया में फंसे पीआईए के दो तैयारों से मुतालिक अहम पेशरफ्त। पीआईए ने लीजिंग कंपनी को 13 मिलियन डॉलर अदा कर दिए हैं। एक तैयारा एक दो रोज़ में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। मजीद जान लेते हैं, सामग्री नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब बताइएगा इससे मुतालिक मजीद, तो बड़ी अहम पेशरफ्त है। जी ये एयरबस तैयारे 3 साल से जकार्ता एयरपोर्ट पर मौजूद है और तनाजे के बाद पीआईए को वापस लाने में अभी तक नाकाम थी। तहम इस हवाले से पेशरफ सामने आई जिसमें पीआईए ने लीजिंग कंपनी को 13 मिलियन डॉलर अदा कर दिए कि अगले एक दो रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जबकि मस्कुरा लीजिंग कंपनी को 26 मिलियन डॉलर अदा करने थे। पीए के बेड़े में मजीद दो एयरबस 300 प्यारों में इजाफा हो जाएगा। इन प्यारों की शमूलियत से पीआईए में एयरबस 700 प्यारों की तादाद 16 हो जाएगी। दूसरा प्यारा भी चंद रोज में पीआईए फ्लीट में शामिल होगा। 2 साल से तैयारों के मामला हुआ था, उसके भी एविएशन की सरब्राई में पीआईए का आला सतही वफद मलेशिया गया था। वफद लीजिंग कंपनी है एयर एशिया से तैयारों का मामला हल करने के लिए मुलाकात के बाद ज्यादा खत्म हो रहे थे। 22 सितंबर 2000 से ये पीआईए के तैयारे जकार्ता में खड़े थे। तर्जुमान के मुताबिक पीआईए री डिलीवरी चार्जेज दिखाएगा। इन तैयारों को 26 मिलियन डॉलर के हमने खरीद लिया है और वफद ने तैयारों की री डिलीवरी करने के लिए कंपनी से मुजाकरात किए थे, जबकि गुजश्ता रोज मारूफ अखबार की खबर के इन तैयारों को 15 मिलियन डॉलर पार्किंग चार्जेज रखे उसको गलत और बेबुनियाद तर्जुमान ने करार दिया है। जी जी बहुत शुक्रिया आपका।